हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और मेरे चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स एंड रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप कलर साइज की ब्रा पहनती हैं तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और आप खुद से ही घर पर कैसे सही साइज़ अपने ब्रेस्ट का ले सकती हैं जिससे आप सही साइज़ की ब्रा अपने लिए खरीद सकें और जो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम से बच सकें। अगर मेरी आज का वीडियो का जो टॉपिक है और मेरी वीडियो किसको गलत लगती है तो वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकती हैं, कोई और वीडियो भी देख सकती हैं। और अगर जैसे मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे अपने लिए, अगर जो मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ वही आप गलती कर रही हैं और मेरी वीडियो को देख करके आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल सके तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, जैसे और भी फीमेल्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आपको गलत साइज़ की ब्रा पहनने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये भी बताऊंगी। शायद उन सब दिक्कतों को प्रॉब्लम को सुनने के बाद में आपको थोड़ा सा भी ये एहसास हो कि अगर आपको उनसे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपको गलत साइज़ की ब्रा पहनने से ही हो रही हो। ऐसा नहीं है, आज की मेरी वीडियो से फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी, अगर उनकी वाइफ को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो ब्रेस्ट होता है वो टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं या फिर अपने साइज़ की ब्रा नहीं पहनती हैं तो उससे जो आपका ब्रेस्ट साइज़ होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है और ब्रेस्ट से जुड़ी हुई काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के साइज़ का जो आकार होता है वो ढीला पड़ जाता है या फिर छोटा रह जाता है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं तो फिर उससे जो आपकी ब्रेस्ट की नसें होती हैं उनमें खिंचाव पड़ता है और आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो लटक जाती है, आपकी स्किन में खिंचाव पड़ता है, उससे आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और आपकी ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती हैं और गांठों को और किसी तरह से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। उसका जो लास्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। और अगर आप टाइट ब्रा पहनती हैं, अपने साइज़ की ब्रा नहीं पहनती है तो उससे आपकी स्किन पर, ब्रेस्ट पर खिंचाव पड़ता है और उस खिंचाव से आपके जो शोल्डर्स होते हैं वहाँ दर्द हो सकता है, आपकी बैक में पीछे दर्द हो सकता है और गर्दन में दर्द हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी ब्रेस्ट का साइज़ एक बार अच्छे से ज़रूर मेज़र करें और अपने साइज़ की ही ब्रा पहने। हो सकता है आपको, अगर आप गलत साइज़ की ब्रा पहनती हैं तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगी ना तो आगे जा कर के ये प्रॉब्लम और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल 80% महिलाओं को इसीलिए ही ये सारी प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट से जुड़ी हुई और काफ़ी ज़्यादा आपको भी सुनने में आ रही होंगी, तो फिर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जिन फीमेल्स को हमेशा ही ब्रा पहनने की आदत होती है, वो ब्रा को हमेशा पहनती हैं, उनके लिए ये मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि वो नाइट टाइम में अपनी ब्रा को बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि क्या होता है स्किन को ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा स्किन के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप नाइट टाइम में ब्रा को स्किप कर देंगी तो आपकी जो ब्रेस्ट की स्किन है वो भी अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा है और आपको ब्रेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आप खुद से ही घर पर ही अपने आप कैसे अपनी ब्रा के लिए सही साइज़ ले सकती हैं और आप उनको भी बता सकती हैं, जैसे आपकी कोई भी फैमिली में है, आपकी छोटी सिस्टर हैं या फिर आपके कोई भी रिलेटिव हैं जिन्हों जो टीन एजर्स हैं और जिन्होंने नई अभी ब्रा पहनना स्टार्ट ही किया, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, अगर वो गलत साइज़ की ब्रा अभी से ही पहनना स्टार्ट कर देंगे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे जा करके। आपके ब्रेस्ट का साइज़ कब कब चेंज होता है, आपका ब्रेस्ट का साइज़ प्रेगनेंसी में चेंज होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, प्रेगनेंसी के बाद भी चेंज होता है, पीरियड टाइम पे भी ये थोड़ा बहुत चेंज होता है और अगर आपके हार्मोन चेंज होते रहते हैं तो तब भी ये चेंज होता है और अगर आप वेट लॉस करती हैं तो अभी ये चेंज होता है। तो इन टाइम पर आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ को मेज़र करते रहें जिससे आप अपने साइज़ की ही ब्रा को पहने और आपको ब्रेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिर चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप खुद से ही ब्रेस्ट के साइज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसकी टिप्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा है, आप एक इंची टेप ले लें। इंची टेप लेने के बाद में आपको मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। आपको ब्रेस्ट के जो नीचे का साइज़ होता है उसको बैंड बोला जाता है और जो ऊपर का साइज़ होता है उसको कप बोला जाता है। जो आपके ब्रेस्ट का बैंड साइज़ होता है उसको इवन नंबर में मेज़र किया जाता है और जो आपकी कप का साइज़ होता है, ब्रेस्ट के कप का साइज़ होता है, उसको हमेशा ए बी सी डी में मेज़र किया जाता है और जो बैंड का साइज़ होता है उसे इवन नंबर में मेज़र किया जाता है। आपका ब्रेस्ट का साइज़ आप उसे मेज़र करते हैं तो फिर बिल्कुल टाइट भी ना करें इंची टेप को और लूज भी ना छोड़ें, जितना है उतना ही रहने दें। और उसके बाद में अगर आपका ऑड नंबर में आता है तो फिर आपका 29 आया है तो उसे आप इवन नंबर में 30 में कर दें।
तो आपका जो ब्रेस्ट का साइज है नीचे का और बैंड का वो आपका 30 ही होगा। और आप जब कप का साइज नापे तो फिर आपको उसको भी बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है इंची टेप से और लूज भी नहीं छोड़ना है, जितना है उतना ही रहने दें। अगर आपके कप का साइज जो है वो 35 आता है, हमेशा बैंड से ज़्यादा ही आता है कप का साइज़, अगर आपके कप का साइज़ 35 आता है तो फिर आपको क्या करना है, जो अगर आपके बैंड का साइज़ 32 आया है और कप का साइज़ 35 आया है तो 35 में से आपको 32 को माइनस कर देना है। 35 में से 32 को माइनस करने के बाद में 3 बचता है, 3 यानी कि ए बी सी, तो फिर आपके ब्रेस्ट का जो सही साइज़ है, परफेक्ट साइज़ है, वो होगा 32 सी, जो कि आपके ब्रेस्ट का सही साइज़ होगा। आप हमेशा उसी साइज़ की ब्रा पहने। और अगर आपका ब्रेस्ट का साइज़ बैंड का साइज़ जो है वो 30 आता है और अगर आपका कप का साइज़ 32 आता है तो फिर आपको 32 में से 30 को माइनस कर 2 बचते हैं, यानी कि ए बी, आपके जो ब्रेस्ट का साइज़ होगा वो 30 बी। सिंपल सी ट्रिक है, इसे आजमा करके आप खुद से ही घर पर ही अपनी ब्रा का सही साइज़ पता कर सकते हैं और इस जरिए से आप सही साइज़ की ब्रा पहन भी सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक जो है वो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचा सकती है, आपको ब्रेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे बचा सकती है। अगर आपको कंधों में या बैक में प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपके गलत साइज़ की ब्रा की वजह से हो रहा है, तो उसको भी दूर कर सकती है। अब तक आपको नॉलेज इतनी नहीं थी तो फिर अब तक तो गलत साइज़ की ब्रा पहनी तो अब तो छोड़ दो यार, अब तो अपने लिए सोचो, अब तो सही साइज़ की ब्राओं के लिए अपना जो सही साइज़ है उसको मेज़र करो, अपने सही साइज़ की ब्रा पहनो और इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक बार आ जाती हैं तो वो जाती नहीं है। इससे अच्छा है खुद ही ऑपरेशन तक की नौबत भी ना आए, सही साइज़ की ब्रा पहन लो, बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो आप सबके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल भी ना जाएँ और शेयर भी करें।